और कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन जो कर पाते। ज्यादातर किसी के द्वार द्वार नहीं भटकते हैं, और जितने चेला होते हैं गुरु का थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, चेला बन गए, गुरु बनाए तो उन्हें, गुरु तो बैठे कुटिया पे कुछ रहे, और चेला वहां से कहते आते कि हम संत बन जा रहे हैं, लेकिन जो भी बन के घूम रहे हैं। अरे संत सुनो बड़ी बार बार संत उसे कहते हैं जो अपनी कुटिया पर पुजता है, किसी के द्वार द्वार पर नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान ने भी कहा था कि भक्ति करना, ये रात्रि में हमने आपको सुनाया था, भक्ति करना भगवान की सेवा करना तपस्या करना, और भक्ति करके भगवान अगर आपको प्राप्त हो गए आपको अपने आप से मुक्ति मिल जाएगी। संत भी उसे कहते हैं जो संत की संगत अच्छी करता है, और संत उसे ही कहते हैं जो अपनी कुटिया पर पहुंचता है। भक्ति में बताया गया, खरी मैंने रात्रि को भी बताया है, ये रामचरितमानस में ये चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर बताया गया है प्रथम भक्ति जो संतन की संगत करता है, और दूसरी भक्ति जहां पर कथा चलते हो, भगवान के कीर्तन होते हो। लेकिन संतों की संगत बताई गई है, लेकिन संत हो तो ऐसे देव ऋषि ना, ऐसे भगवान भोले बाबा क्या संत नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी तमाम वेश धारण किए। इसी प्रकार से उस संत ने वचन दिया है, और संत से वो फल लेकर के महाराज आत्मक देव अपने महलों के लिए चले हैं महाराज, तो आकर के और अपनी स्त्री को वो फल दिया है महाराज, स्त्री को जब वो फल दिया है और कहा है